गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नए वीडियो में। अभी हम हैं बैंकॉक के इकोटेल होटल में और जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। अभी देखते हैं कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट कैसा है। नोवा प्लेटिनम होटल में जब हम रुके थे पटाया में, तो वहाँ पे तो हमको इंडियन खाना मिला था। अभी देखते हैं कि यहाँ पे मिलता है कि नहीं। यहाँ पे लगेज करने के लिए वेट लिफ्टिंग मशीन भी है, वेट स्केल, लगेज स्केल मशीन है। चना सूप है, सूप, नॉनवेज सूप, चिकन सूप। वाव, यहाँ पे वेज और नॉन वेज खाना तो है पर इंडियन खाना नहीं है। जैसे पौवा हो गया, दाल मखनी जैसा कुछ हो गया, यहाँ पे वैसा नहीं है। पर हाँ, वेजिटेरियन भी है, नॉन वेज भी है। और ये है कुछ यहाँ का डाइनिंग, ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है 6 से 10। चलो ले मन। कल मैं आपको रूम दिखाना भूल गया था, तो मैं आज दिखा देता हूँ कि यहाँ का रूम कैसा है। तो नॉर्मल सा रूम है, उसका एंट्रेंस है, यहाँ पे एक कबोर्ड है, उसके एक लॉकर है, लॉकर के बाजू में ही ये ऐसा है टॉयलेट, ये बाहर, ये है 2 बेड, सिंगल बेड, एक चेयर है, और बाहर का व्यू बेकार है क्योंकि एकदम इकोनॉमिक रूम है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ फैसिलिटी नहीं होगी। अरे भाई नहीं चल रहा है ब्लूटूथ। अरे नहीं बैठ सकते तो आगे, अगर एक बार बैठ गए ना तो ग्रैब से बाहर नहीं निकल सकते। एक बार ड्राइव चालू हो गई ना फिर नहीं रुक सकते। क्या समझ में नहीं आता आपको? सॉन्ग, वी वांट टू प्ले अ सॉन्ग। अंकल को इंग्लिश नहीं आती, हमको थाई नहीं आती, इनको गाना सुनना है पर अंकल को पता नहीं है। इसको मीडिया, इसको क्या बोले, ऑपरेट करते नहीं आता भाई, कान नहीं है पक्का, ऐसी का नहीं आता ऑपरेट करने। नहीं नहीं छोड़ो यार, ये इनकी बातों से बस, इनकी बातों में ना आओ। सही बोला ना मैं? इनकी बातों में ना आओ तुम। अंकल हाउ आर यू, अंकल हाउ आर यू, हाउ आर यू। अंकल को हाउ आर यू का मतलब नहीं पता, अंकल को सिर्फ एक ही चीज पता है, हैंडसम। अंकल इज अ हैंडसम। तो अभी हम निकल चुके हैं हमारी बैंकॉक होटल से, अभी सुवर्णभूमि एयरपोर्ट की तरफ 45 मिनट का रास्ता है और ग्रैब बुक की है। वैसे तो हम ट्रेन में भी जा सकते थे पर ये दोनों की वजह से हम नहीं जा पाए। नहाने जाना है सालों को, 11:30 बजे नहाने गए, उठे ही नहीं ये लोग। मैंने बोला 10 बजे उठ जाओ, 10 बजे उठ जाओ, 9:30 बजे भी उठ गए, ब्रेकफास्ट किया और बाद में सो गए।
अभी बोलो क्या बोले इसको। मैंने बोला 15 बात में खत्म हो जाता, पर इन लोगों को, ये लोग पैसे वाले ट्रैवल एजेंट, 50 में हो जाता तीनों बंडों का, अभी 500 लगेगा इन दोनों की वजह से। मैं तो एक बजट यूट्यूब ट्रैवलर हूँ, ये लोग अमीर ट्रैवल एजेंट है, अभी इनकी वजह से हमको भी भुगतना पड़ता है। तो अभी ग्रैब बुक किया है तो 45 मिनट लगेगा, थोड़ा ट्रैफिक भी है, तो 3 घंटे पहले एक्चुअली तो पहुंचना चाहिए, पर हम 3 घंटे पहले तो निकल रहे हैं, तो 2 घंटे पहले शायद पहुंच पाए, तो पहुंच पाए, देखते हैं क्या होता है। पहुंच गए एयरपोर्ट 1:15 बजे। हमारी एक्चुअली फ़्लाइट है 3:30 बजे की, तो हमारे पास 2.5 घंटा था, तो इनफ टाइम है। टैक्सी में हमको सिर्फ लगा 20-30 मिनट्स। ये है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। एयरपोर्ट वेलकम टू थाईलैंड। हमारा इमिग्रेशन हो चुका है, अभी हम एंटर कर चुके हैं स्वर्णभूमि एयरपोर्ट के, इमिग्रेशन पार करके डिपार्चर की ओर जा रहे हैं। ये है यहाँ का ड्यूटी फ्री आइटम, वोडका विस्की राम, बैग फ्री है, जर्नी वॉकर 1600 बार, नो मनी, नो इंडियन रूपी, अंडरस्टैंड। अरे यार 10 मिनट और चलना पड़ेगा भाई, लोग जल्दी आ जाना 3 घंटे पहले। इमिग्रेशन में बहुत लंबी लाइन थी, सिक्योरिटी में बहुत लंबी लाइन थी, तो 3 घंटे पहले ही आ जाना सुवर्णभूमि पे से आपकी फ्लाइट जा रही हो तो।
यहाँ से आप सीधा होगे ना तो यहाँ पे बहुत सारा खाने की शॉप भी है, बर्गर किंग है, टेको बेल है, पॉन्चोन है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। सबवे भी है, वही मैं ढूंढ रहा हूँ। सबवे यहाँ दे रखो, वहाँ पे सबवे भी है तो आप कुछ भी ले सकते हो, पैक करवा के आप आराम से प्लेन में खा सकते हो अगर आपकी बजट एयरलाइंस है। हमारी है इंडिगो, तो बजट एयरलाइन है तो हमको खाना नहीं मिलने वाला, तो हम यहाँ से ही पैक करवा के ले जाते हैं। बोर्डिंग गेट ओपन हो गया है, अभी हम जा रहे हैं गेट की तरफ। नीचे है यहाँ से, अभी प्लेन के लिए अंदर जाना चालू नहीं हुआ है। ये है गेट नंबर E2 हो रहा, ये रहा कब से बैठा है ये इधर। खप कुन खप, चलो बाय बाय बैंकॉक, मिलेंगे फिर दोबारा ब्रेक के बाद, एक दो साल के बाद मिलेंगे। चलो बाय बाय। चलो तो अभी सिंकिम थाईलैंड को बाय बाय बोलने का समय आ गया है। हमारा बोर्डिंग गेट खुल गया है, प्लेन के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे लंबी क्यू है, बहुत सारे फॉरेनर्स भी आ रहे हैं हमारे साथ। बॉम्बे, बॉम्बे, बॉम्बे जा रहे हैं सब, बॉम्बे। ए लोरू जान है, फोटो ने वीडियो ले आ कर तो है, वीडियो कॉल केरा कर तो है ना तू। हाँ तो वीडियो कॉल लेता रहता है ना, दिखा इसके लिए तो रह जाता है। अच्छा तो क्या ले रहा था? बस तुम लेते रहो, हम भी ले लेंगे। अब तुम का ये लैला तेरी ले लेगी, तू लिख के ले ले। ये लैला तेरी, दीपेश भाई, ये लैला तेरी ले लेगी, तू लिख के ले 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 ले। अब तू जा, देखो ये आ गई। ये फ्लाइट थी हमारी, हम लैंड कर चुके हैं और अभी जा रहे हैं। कहाँ पहुँचे हैं हम बताओ? मुंबई पहुँच गए, मुंबई पहुँच गए। अभी ये कहाँ जाएंगे? हम चले इंदौर, इंदौर से जबलपुर, देन आखिरी में अपना स्टॉप जोधपुर। हाँ शहडोल। चलो हमारी फ्लाइट लैंड हो चुकी है और हम जा रहे हैं इमिग्रेशन की ओर। हमारा लगेज भी लेना है क्योंकि हमने भी एक लगेज परचेस किया था, हमको सस्ता पड़ा था इसके लिए हमने परचेस किया था। अभी चेक इन किया है तो वो लेकर हम जाएंगे बाहर, तो हमको टाइम थोड़ा लग जाएगा बाहर जाते जाते। वेलकम टू मुंबई, हम मुंबई पहुंच चुके हैं। इंडिगो फ्लाइट से हम आए थे पर वो बजट फ्लाइट थी, उसमें कुछ खाना बाना कुछ मिला नहीं, तो हमने तो सबवे से, जैसा मैंने बताया था सबवे से मैंने ले लिया था तो वही खाना खा लिया था। अभी हम जा रहे हैं इमिग्रेशन की ओर, इमिग्रेशन ख़त्म करके हमको जल्दी से निकलना पड़ेगा क्योंकि हमको अंदर ही पहुँचना है। 10 बजे की हमारी ट्रेन है तो हमको सूरत पहुँचाएगी 2 बजे, तो अभी पता नहीं है कितना टाइम लगेगा वो पता नहीं है क्योंकि बहुत सारी पब्लिक दिख रही है मेरे को, तो
देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी फ्लाइट भी लैंड हो चुकी है, तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा। उठ ले, उठा ले वो साइड से, वो साइड। हाँ उठा ले। क्या टूट गया? अरे आनी ऊपर चौकरी मारी गई।